ये ओडिशा सरकार जिस तरह से तीन टर्म से चल रही है, ओडिशा सरकार को एक क्षण भी शासन करने का अधिकार नहीं है। जिस ओडिशा के अंदर पूरे देश को समृद्ध कर सके इतनी खनिज संपदा पड़ी है, वो ओडिशा का मेरा भाई बहन आज गरीब अवस्था में जी रहा है। इसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो ये नवीन बाबू की सरकार है। नवीन बाबू को डर है कि आयुष्मान भारत योजना अगर लागू कर दी तो मोदी जी यहां लोकप्रिय हो जाएंगे, उनकी सरकार उखड़ जाएगी। उनको ओडिशा की जनता की नहीं चिंता है, अपनी कुर्सी की चिंता है। अरे नवीन बाबू, कितना बच जाओगे? 19 मई में आपका जाना तय है। ये शासन यावत चंद्र दिवाकरो नहीं रहने वाला है, ये शासन बदलने वाला है, नजदीक में ही बदलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। भारत सरकार का विभिन्न मंत्रालय सर्टिफिकेट दौची एवं ओडिशा विभिन्न क्षेत्र में पारदर्शिता लाभ करुची बोली भारत सरकार बारंबार बारंबार सम्मानित करुछंती, पुरस्कृत करुछंती। से हिसाब राज्यवासी पाखे अच्छी, भारतवर्ष पाखे अच्छी। तेणु माननीय शाह महोदय विभिन्न मंत्रालय साथी रे भारत सरकार परामर्श करंतु जे को विभाग रे ओडिशा आज आगे अच्छी। किछ दिन तले ग्राम्य रास्ता निर्माण करिवारे ओडिशा पुरस्कृत होइछि, पांच पांच थर कृषि कर्म पुरस्कार पाइछि। आयुष्मान भारत से आरंभ करिबा पूर्वरु ओडिशा रे विजु जनता दल सरकार माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एहाकु विजु स्वास्थ्य कल्याण नामरे वर्तमान प्रचलन करि सारिछन्ति। एवं आपण मानकु मु कहि रखे, हेल्थ होउछि गोटे स्टेट सब्जेक्ट। फेडरल स्ट्रक्चर उपरे ज्ञान नथिबा व्यक्ति माने एभळी उक्ति रखन्ति, संघीय व्यवस्था भितरे कोउटा केन्द्रर कोउटा राज्यर से कथारे सेमाने एते पर्यंत क्लियर नुहन्ति। कहीं ना संघीय व्यवस्था रे शासन करिवार तरीका सेमानकु जणा नाही।